दर्शक बंधु दीर्घ पांच रु छमास सीमार खास करी एलएसी चीन एवं भारतीय जो शांति कथबार्ता चलती आपात तो उभय देश को एपर्तंत सफल मिलना उभय सैन्य एलएसी सुरक्षा रे नियोजित खासकर भारतीय सैन्य माने एबे एही सीमा विवाद रे एपरी भावरे चाइना को मात देइचंती जहा कि ड्रैगन को धीरे धीरे ठंडा पड़ा को परिस्थिति बाध्य करि दउची एपरिक भारत एवं चाइनार संपर्कित एवं शांति कथबार्ता मध्य चाइना प्रशासन कही जदि सीमार शांति आग को बढ़िया चाहे और चीन सैन्य जदि एलएसी पछकु हटिबा को चाहे ताहले भारत को साउथ चाइना सी रु पछकु हटिबा को पड़िबो तेणु साउथ चाइना सी रे भारत सामान्य आग को माड़ी जाइथिबा बले चाइना को एहा बर्दाश्त हेउ नाही एथिसह जलपथर संपर्क को एवं स्थलपथ को भिड़ी नापी चाइनार षड़यंत्र आउ एक साथी चाल प्रकाश कर चाइना प्रशासन तेरे सबुठ बड़ कथा इतिमध्यरे भारतीय सैन्य मैंने साउथ पेंगंग उपरे निजर दबदबा जाहिर कर सारी जहाँकि परिस्थिति आहरी मुस्किल पकईदेगी पीएलआरबी को साउथ पेंगंग रे भारतीय सैन्य मान जबरदस्त दबदबा एवं यहाँ एक निज अंचलभुक्त कर भारतीय जवान माने मुतयन हवा एवं कोनोसी बाटरे एहा भीतर को प्रवेश करिवा पई पीएल आर्मी सक्षम हेउ नथिबा बळे एबे धीरे धीरे ठंडा मध्य बढ़िबाकु लागिछि तेणु एपरी कि एबे नवंबर डिसेंबर बळे -10 डिग्री ठो आरंभ करी -40-50 डिग्री पर्यंत एठारे ठंडा पड़िबार आशंका देखा दै एमिति त एलएसी रो अधिकांश अंचल अनेक उच्चतार रही एवं अनेक भारतीय जवान मान आउटपोस्ट उच्चतार रही जोठी क्रमगत भाव थंडा बढ़िया सह अम्लजान सर्टेज देखा संभावना अच्छी तेणु एपरी स्तर में वर्तमान अक्टोबर मसर मझामझी अवस्था पीएल आर्मी मान एजावत एलएसी रु पछकु हटिबार ना देना एपष्ट पारि हो कि एथर थंडार उभय सैन्य पेंगंग सो पाखापाखी अंचल को जाऊन नजरी बेले एथर किंतु उभय सैन्य एठार मजबूत आकार रे निज निजर बेस करी रहिबार जो प्रचेषा चल आग को देखा बाकी रहा कि थंडार वर्तमान यही सीमा सुरक्षा केमी हम अवश्य भारत सरकार एथिपूर्वरु निजकु प्रस्तुत कर सारी एवं एही थंडारु रक्षा पाइबा पई भारतीय जवान मानको पई गरम पोशाक आउ सेही भली भाबरे बेस निर्माण रे आगै चंती भारत सरकार 15,000 फुट उपरे सैन्य माने केमिति रहिबे से नै मध्य आगुरु निर्णय न्या जाय सरिचि एथि पई अमेरिकारु गरम पोशाक ओ सैन्य सरंजाम उपकरण मध्य भारत सरकार किणि सारी चंती अवश्य अमेरिका एवं यूरोप रु एभली गरम पोशाक आगुरु मध्य किणा जाउथला एवं एथिरे चीन मध्य रहितला किंतु एथिरे चीन एवं भारत रो संपर्क पई अमेरिका एवं यूरोप रु एही गरम कपड़ा उणा जाइछि 2016 मसिया अनुजाई लॉजिस्टिक एक्सटेंडेड मेमोरेंडम बा लेमुआ रो अनुजाई भारत सरकार एथर अमेरिका एवं यूरोप रु गरम कपड़ा एवं सैन्य सरंजाम उपकरण 15,000 फुट रे थिबा सैन्य मानंकु थंडार मुक्ति पाइबा पई जोगाई सारिचंती तेणु एथर -10 डिग्री टेम्परेचर रे मध्य एठारे सैन्य माने मुतयन होई आगकु एही भली भाबरे निज निजर घाटी सुरक्षा करबा दिगरे मजबूत आकार रे एहिठारे रहिबे बोली मध्य जणा पड़िछि अपरपटरे चाइना प्रशासन एही एलएसी रो सीमा शांति कथबार्ता को नै जोडिछि चाइना दक्षिण चीन समुद्र कथा एथिरे भारत आग को बढ़ुवार नजर को नहीं चाइना प्रशासन भारत उपर चाप सृष्टि करिवारे लागी पड़ी सबुठ बड़ कथा हला इतिमध्यरे भारतीय जवान माने एलएसी रो अक्साई चीन को नहीं सातटी अंचल उपर निजर दबदबा जाहिर करचंती बा सातटी अंचल को निज अख्तियार को नहीं आसचंती अवश्य ई सातटी अंचल कोन कोन रही ताहा गोपनीय रही एवं एहाकु मीडिया रे स्थान दिया जाय नाही तबे एहा काहेकि करा जाइछि एवं केमिति भाबरे करा जाइछि ताहा तो एक पछ विश्लेषण रहिबो किंतु एजाबत भारतर एहा एक बड़ सफलता बोली मध्य कहिबाकु पछौ नहंती विश्लेषक दल तेणु अपरपटरे अमेरिका ठारु गरम पोशाक नै शीतरे निजकु रक्षा करी घाटी सुरक्षार दायित्व बहन करचंती भारतीय जवान माने अन्यपटरे ताइवान रो संपर्क को नै मध्य चिड़ी जाइछि चाइना ताइवान रो विदेश मंत्री जोसेफ कोर एक साक्षात्कार भारतीय गणमाध्यम रे प्रकाशित होबा परठारु चाइना अत्यंत उत्तेजक मनोभाव रे कथाबार्ता करिबा आरंभ करिछि
ଦୁଇ ଦେଶର ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗେଇ ଚାଲିବା ବେଳେ ଚାଇନା ପ୍ରଶାସନ ହଠାତ୍ କହିଛି କି ଭାରତ ଏବଂ ତାଇୱାନର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ସୀମା ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଯଦି ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ଉଠାଏ ତାହେଲେ ଚାଇନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଏହି ସୀମା ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଚାଇନା ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଭାରତ ଶୀତକୁ ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବ ଏବଂ ତା ସହ ଘାଟି ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ କେମିତି ନିୟୋଜିତ କରିବ ଏବଂ ଚାଇନାକୁ ଜବାବ ଦେବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ଥିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିବ ଯୋଜନା ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ମାତ ଦିଆଯିବ ପିଏଲ୍ଏ ଆର୍ମିଙ୍କୁ? ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।